इसका इंटीग्रल होगा रूट एक्स का एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 to a। ये वाला पोर्शन जो 2a 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स वाला है, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स, ये वाला इवैल्यूएट कर लो। ए टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ए 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू साइन एक्स डी एक्स। इस वाले इंटीग्रल के लिए राइट साइड के लिए टी इज इक्वल टू कॉस एक्स सब्सटीट्यूट किया, डी टी बाई डी एक्स विल बी माइनस साइन एक्स, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो डी एक्स विच इम्प्लाइज माइनस डी टी, माइनस को लेफ्ट साइड में ले लो, साइन एक्स डी एक्स। अब लिमिट का चक्कर है, व्हेन लिमिट चेंज करते हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू कॉस 0 विच इज 1, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू टी इज इक्वल टू कॉस पाई बाय टू विच इज 0। तो जो अभी तक की लिमिट थी वो 0 से π/2 थी, अब वो हो जाएगी 1 to 0, 2a टाइम्स 1 to 0 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। लेफ्ट हैंड साइड 2/3 ए टू द पावर 3/2 को लिख सकते हैं ए रूट ए, ए रूट ए। तो ए शुड नॉट बी 0, अगर ए 0 हो गया तो आप क्वेश्चन में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो 0 to 0 टाइप की चीज हो जाएगी। तो 0 to, अगर ए की वैल्यू 0 हो तो लोअर लिमिट 0 ही है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये ए भी 0 हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ए कैन नॉट बी 0, ए कैन नॉट बी 0, तो फिर ए को कैंसिल कर दो, ये ए को इस ए से कैंसिल कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास 2/3 रूट ए, माइनस कॉमन ले लो, 2 ऑलरेडी बाहर है, 1 का इंटीग्रल टी माइनस टी क्यूब बाय 3 1 to 0। अब इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 रूट ए इज इक्वल टू माइनस, अब पहले अपर लिमिट 0 माइनस 0/3 0 माइनस 1 माइनस 1³/3 ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज रूट ए अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस, और अंदर का जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1/3 विल बी 2/3। अब 3 से 3 को भी कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर के, तो रूट ए का वैल्यू हो जाएगा 2 विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 4 स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। नाउ अब आगे की बात देखते हैं, इंटीग्रल ए टू ए प्लस 1 एक्स डी एक्स, आई थिंक यही है, ए टू ए प्लस 1 एक्स डी एक्स, ए टू ए प्लस 1 एक्स डी एक्स करेक्ट इज इक्वल टू 4 to 4 प्लस 1
एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय टू लिमिट 4 to 5, 1/2 कॉमन ले लो, एक्स की आगे रख दो 5, 5 स्क्वायर माइनस एक्स की आगे रख दो 4 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16, 25 - 16 इज 9/2, तो ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का।